राइट टू एजुकेशन में अब एडमिशन प्रक्रिया में छानबीन के पश्चात पात्र छात्र को ही एडमिशन मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने इस आशय के कड़े निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में भर्ती के लिए पालकों को वैध दस्तावेज देना होगा। अब जिनके पास फर्जी दस्तावेज पाए गए तो उनके खिलाफ जिला शिक्षा विभाग FIR तक दर्ज कराएगा। गौरतलब है कि पिछले शिक्षण सत्र में बहुत से पालक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने बच्चों का RTE के तहत एडमिशन करवाया था, लेकिन नए शिक्षण सत्र में RTE के तहत दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जाँच की जाएगी, तभी उन पात्र बच्चों का एडमिशन होगा। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग अभय जायसवाल ने इंडियन न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि अब जितने भी आवेदन RTE के तहत प्राप्त होंगे उनका भौतिक सत्यापन के पश्चात ही दाखिला मिलेगा। सर, अभी RTE के तहत एडमिशन आरंभ होने वाला है, किस प्रकार की अब कार्य के हिसाब से RTE के तहत एडमिशन किया जाएगा? देखिए, RTE का जो एडमिशन है वो जो राज्य शासन के दिए गए नियम और निर्देश हैं उसके तहत किया जाता है, और फिर भी कुछ शिकायतें इस तरह की प्राप्त होती है कि जो रहवासी हैं वो गलत तरीके से शपथ पत्र को दाखिल कर अपने प्रवेश को करवाते हैं, तो उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग सूक्ष्मता से नोडल के द्वारा परीक्षण करवा रहे हैं, और अगर गलत जानकारी प्रेषित की जाएगी तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।